जयपुर बनी पार्क स्थित SSG पारिक कॉलेज एवं संबद्ध शिक्षण संस्थाओं द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव में 119वां स्थापना दिवस धरोहर आज़ादी के साक्षी के सम्मान समारोह के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अमृत वेला की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना से हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार दिया कुमारी थी और विशिष्ट अतिथि सांसद रामचरण बोहरा तथा विधायक सिविल लाइन्स गोपाल शर्मा थे। इस दौरान वरिष्ठ जनों की सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पारिक कॉलेज जयपुर का एकमात्र हेरिटेज कॉलेज है जो कि निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर है। इसके विकास की गति को देखते हुए इसे विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में प्रयास करना है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने कार्यक्रमों से पारिक कॉलेज के फाउंडर प्रद्युमन कुमार तिवाड़ी का मान सम्मान किया और विशिष्ट अतिथि रामचरण बोरा ने अपने संबोधन में कहा कि इस महाविद्यालय में उपस्थित होना सौभाग्य की बात है जहां इस तरह का वरिष्ठ जन सम्मान एक अभूतपूर्व पहल है। पारिक कॉलेज ने मेरे द्वारा पहले भी 25 लाख रुपए की राशि प्रदत्त कर रिसेप्शन का निर्माण किया गया। इस हेरिटेज कॉलेज को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हूँ। अतिथि गोपाल शर्मा ने कहा कि पारिक संस्थान सिविल लाइन क्षेत्र में आता है जिसने स्वर्णिम इतिहास में एक विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित कर क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल किया। इसे अपनी सफलता के 119वें वर्ष में प्रवेश पर हार्दिक शुभकामनाएं हैं। वरिष्ठ जन जो आज़ादी के साक्षी रहे उन्हें इस अवसर पर निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ते हुए पारिक संस्थान की ओर से सम्मानित किया जाना अभूतपूर्व है। इन सब वरिष्ठ जनों को मोतियों की माला पहनाकर शॉल ओढ़ाकर श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। संस्थान और प्रगति के अद्भुत समायोग को देखकर उपस्थित प्रांगण में हर्षोल्लास का माहौल बन गया। समिति के महासचिव लक्ष्मीकांत पारिक ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हेरिटेज कॉलेज विश्वविद्यालय के उच्चतम मापदंड को छुए और इसकी कीर्ति सब जगह फैले। पारिक ने पारिक शिक्षण संस्थान की उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान सदैव समर्पित रहा है। आज़ादी के साक्षी रहे वरिष्ठ जनों का सम्मान कर महाविद्यालय गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। माँ शारदे का आशीर्वाद सदैव हमारे सिर पर इसी प्रकार बना रहे और शिक्षा के इस मंदिर से सदैव शिक्षा की ज्योति का प्रसार प्रसार ऐसे ही होता रहे, यही कामना मन में लिए माँ शारदे का वंदन। और वंदन के साथ ही प्रारंभ हमारे आज 119वें स्थापना दिवस धरोहर का विधिवत शुभारंभ माँ के आशीर्वाद के साथ, श्रीनाथ जी के आशीर्वाद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मान्य। सरकार डबल इंजन की आ चुकी है, स्थापित हो चुकी है और अब आप देखेंगे कि सारे काम दौड़ेंगे और जितने भी हमारे विकास के काम हैं हर प्रकार से हर क्षेत्र में काम होगा। कभी भी मेरे लायक कोई भी आप लोगों के कोई भी कार्य हो, कभी भी मेरी आवश्यकता हो तो बिना किसी संकोच के आप कभी भी मुझे बताएं। हम लोग आप लोगों की सेवा के लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा में ही विश्वास करती है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी रात दिन काम कर रहे हैं योजनाओं के माध्यम से, आपको हर व्यक्ति को, हर पात्र व्यक्ति को योजना पहुंचाना, हर व्यक्ति को जिसको अंतिम छोर में जो व्यक्ति होता है उसको कैसे लाभ पहुंचे उसके लिए चिंता करते हैं। तो इसलिए हम सबका भी कर्तव्य है कि हम सब मिलकर इस पूरे कार्य में जुट जाए, क्योंकि अगर 2047 तक हमको भारत को पूरे विश्व का नंबर वन देश बनाना है, सबसे ज्यादा विकसित राष्ट्र अगर भारत को बनाना है, तो इसलिए इसमें बहुत जरूरी है कि हम सबका इसमें योगदान हो और सभी लोग इस कार्य में जुटे, तभी जाके हम ये काम कर पाएंगे। मैं धन्यवाद दूंगी आप लोगों का, सबका, पूरी कार्यकारिणी का, यहाँ सभी जो पधारे हुए हैं आप सभी का, कि आपने मेरी बात भी सुनी और आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर इतना सम्मान भी दिया। कोई भी मेरे लायक कभी भी कोई भी कार्य हो तो बिल्कुल हम सब मिलकर करेंगे। मैं अपने परिवार की ओर से भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद। और बहुत धन्यवाद मैम।
अतिथिगण और हमारे कॉलेज की पूरी फैकल्टी को भी मैं बधाई देती हूँ और फिर से धन्यवाद देती हूँ। हम सभी के लिए आज एक ऐसा दिन है, मुझे तो पहली बार यहाँ आने का अवसर मिला, आप लोगों की सेवा करने का भी पहली बार जयपुर से अवसर दिया मुझे पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, तो मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। जिम्मेदारी के लिए भी आभारी हूँ और आप लोगों के आशीर्वाद समर्थन के लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। समाज को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया आज मंच पे, बहुत सारे मेरे क्षेत्र से भी यहाँ आप लोग सब उपस्थित हैं। बिल्कुल आप परिवार ही हैं, वोटर नहीं परिवार है, और आप सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आज हमने सबने जिनको सम्मान आप लोगों के द्वारा सम्मान मिला और हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने उनका सम्मान किया जिन्होंने वो समय भी देखा है, आजादी से पहले से लेकर उस समय को भी देखा है, आज इस अमृत काल का जो हमारा ये समय है, ये युग है, उसके भी वो साक्षी हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे हमारे महानुभावों को हमको सम्मान करने का, सम्मानित करने का भी हम सबको अवसर मिला है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत उनको भी मैं कहना चाहूंगी कि आप लोगों के मार्गदर्शन में हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने जो समय देखा है, ये 75 साल जो हम लोगों ने, कई हम में से तो ऐसे हैं जो वो समय हमने देखा ही नहीं, लेकिन वो समय देखने के बाद आज के युग में ये युग भी देखना कि आज हमारा देश एक आजाद देश है और एक विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, तो उस समय से लेकर आज तक उनके जो अनुभव हैं, उन्होंने जो उस समय चुनौतियों का सामना किया होगा, परिस्थितियों का सामना किया होगा, और आज जो देख रहे हैं वो हमारे देश को आगे बढ़ते हुए, तो उनको भी मैं बहुत बहुत उनका सम्मान भी करती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ, और उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहे उसकी भी मैं मंगल कामना करती हूँ। मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि अभी एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन मैं मानती हूँ कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा एक एक व्यक्ति शिक्षित हो और क्वालिटी एजुकेशन उसको मिले, और आपके कॉलेज के द्वारा ये सब कुछ उनको प्राप्त हो भी रहा है वर्षों से, 119 साल कम समय नहीं होता, और इस पूरे विरासत को भी आपने इतनी अच्छी तरह से संभाल के रखा है, ये जो पूरी हेरिटेज बिल्डिंग है, ये भी मैम जयपुर में तो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन इतनी अच्छी तरह से उनको संभाल के रखना, उनका रख रखाव संरक्षण करना, ये कोई मामूली बात नहीं है, उसके लिए भी मैं आप लोगों को शुभकामनाएं और धन्यवाद दूंगी कि आपने इतना अच्छा इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। हमारी न्यू चलने वाले लोग हैं ये सब आपको एक दिन बंद नजर आएंगे, उसकी शुरुआत हो चुकी है, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी शक्ति बनी साथ रहे और आपका स्नेह साथ रहे। भारत माता तेजी से कदम बढ़ा चुकी है और दुनिया के अंदर जो जो भारत माता का कदम आगे बढ़ेगा, सनातन धर्म की जय होगी, और सनातन धर्म की जय होगी तो मानवता की जय होगी, मानवता की जय होगी तो इस सृष्टि की विजय होगी, भगवान की कृपा रहेगी, गोविंद देव जी की कृपा रहेगी तो सब लोग सफल होंगे, और जैसे राम राज्य में था, भौतिक दैहिक दैविक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा, यह स्थिति आ रही है और ये भारत माता की कृपा से, सनातन धर्म की कृपा से आ रही है। हम लोग इसका आनंद लें, इसमें साथ दें, आगे बढ़े, अपने लोगों को आगे बढ़ाएं, इतना ही मुझे कहना है। आपके सामने बहुत बोल गया, इसके लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन चूंकि सिविल लाइंस का प्रतिनिधि हूं तो मुझे लगा कि ये बताऊं कि किसी को भी कोई भय महसूस हो तो समझ लीजिए कि ऊपर तो गोविंद देव जी हैं और नीचे लोकतंत्र है, कोई भी हमको भयभीत करने की ताकत नहीं रखता। इतना ही कह के मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, और लक्ष्मीकांत जी पारी जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित, और ये जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, ये हम सब के माता पिता हैं, इन सब के चरणों के अंदर साष्टांग दंडवत, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री।
यदि आज क्लास पढ़ाने का काम करें तो हमारे व्याख्याता करें, इस शिशु को संभालने का काम करें तो हमारे प्राचार्य करें, ये सब इस पारी कॉलेज के हाथ और पांव हैं। और इस पारी कॉलेज की यदि कोई नब्ज है तो प्रबंधकारी समिति है, और इस नब्ज को देखने का काम करने वाले कोई डॉक्टर और वैद्य है तो आप सब लोग हैं। तो आप सब लोगों को एक बार हमारा मेडिकल चेकअप हो जाए, इसके लिए कार्यक्रम का ये अंतिम पड़ाव। और हमारे पास शुभकामनाएं आई हैं पारिक अधिवक्ता संघ की ओर से, एसएसजी पारिक कॉलेज एवं संबद्ध शिक्षण संस्थाओं के 119वें स्थापना दिवस पर पारिक अधिवक्ता संघ आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता है। तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर, आया तेरे दर पर, ये तेरा ये सोनाई, ये तेरा ये शहनाई, ये तेरा ये सोनाई, ये तेरा ये शहनाई, तेरे इश्क में तेरे से मर जाऊंगा, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। शिक्षार्थियों के लिए अध्ययन अध्यापन एवं अनुसंधान करने का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र सर्व समाज को उपलब्ध करवाया। अविरल शाश्वत रूप में एक शताब्दी से अधिक समयावधि में शिक्षण के अनेक कीर्तिमान स्थापित करते हुए ऐतिहासिक एवं अधुनातक भवन अपनी नई तस्वीर के साथ समृद्ध पुस्तकालय व अत्याधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को लिए हुए स्वर्णिम भविष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर हो रहा है। समृद्ध सांस्कृतिक में शिक्षार्थियों के लिए अध्ययन अध्यापन एवं अनुसंधान करने का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र सर्व समाज को उपलब्ध करवाया। अविरल शाश्वत रूप में एक शताब्दी से अधिक समयावधि में शिक्षण के अनेक कीर्तिमान स्थापित करते हुए ऐतिहासिक एवं अधुनातक भवन अपनी नई तस्वीर के साथ समृद्ध पुस्तकालय व अत्याधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को लिए हुए स्वर्णिम भविष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर हो रहा है। समृद्ध सांस्कृतिक मूल्यों संस्कारों को संजोकर नवीनतम वैज्ञानिक अवधारणा के मालिक हो गए।
तरफ का वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। कुर्सियों के पीछे कुर्सियों का सहारा लेके ये वो चेहरे हैं इन शिक्षण संस्थानों के कि जिन्होंने अथक मेहनत की, परिश्रम किया, अपने ड्यूटी समय के उपरांत भी ये यहाँ पर रुके। और जो इस आज के इस कार्यक्रम का नाम जो रखा गया धरोहर, तो ये शिक्षण संस्थानों की धरोहर है। जो ये मंच के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं वो, और पीछे की तरफ जो खड़े हुए हैं कुर्सियों की एक गेट के साथ एक सज्जन खड़े हुए हैं, अधेड़ बैठे हैं, रंगलाल जी नाम है इनका। आप सबने जो जितने भी समाज बंधु आप यहाँ उपस्थित है आपने इन्हें देखा होगा अक्सर बैठक में व्यवस्था करते हुए, इनके साथियों के साथ एक पूरी टीम। आज तो फिर मास लगाइए, मिलना हो रोज रोज तो फिर मास लगाइए, फिर आपके नसीब में बस प्यार। जब ये